जो बुनियादी सवाल है, आज भी बिजली का संकट उतना ही है जितना पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार में था, और जो व्यवस्था बिजली में समाजवादी सरकार ने बनाई थी उस व्यवस्था को खराब करने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। जानवर खुलेआम घूम रहे हैं, सांडों से गाड़ियां टकरा रही हैं, लोगों की जान जा रही है, एम्बुलेंस फोन करिए तो आ नहीं रही, और लखनऊ एक उदाहरण बना है जहां एक गर्भवती महिला अस्पताल में भर्ती हो जाती तो उसका बच्चा बच जाता। लेकिन सोचिए, एक गर्भवती महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली, समय पे अस्पताल नहीं पहुंच पाई, गवर्नर हाउस, विधानसभा, मुख्यमंत्री आवास या जितने भी वरिष्ठ नेता या मुख्य लोग रहते हैं वो उस आसपास रहते हैं, वहीं गर्भवती महिला को बच्ची पैदा हुई, बच्चे की जान चली गई और कोई उसको बचा नहीं पाया, ना कोई सुविधा इलाज की दे पाया। डिप्टी सीएम जाते हैं और आखिरी समय पर बच्चे को जो कुछ क्रिया करनी पड़ती वो करने का उसमें भी पॉलिटिकल लाभ लेना चाहते हैं। बेरोजगारी चरम सीमा पर, महंगाई वही वैसी की वैसी, और महंगाई तो लगता ये है कि अपने जमाखोरों को ये लाभ पहुंचा रहे हैं। जो जमाखोर लोग हैं, जो चीजें जमा कर रहे हैं उनको मुनाफा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके महंगाई लाने का काम कर रही है। भैया, लोकदल के प्रमुख अजीत सिंह को लेकर के, जयंत चौधरी को लेकर के जो है बीजेपी ने, और मुझे दुख इस बात का है कि मीडिया भी उसमें शामिल हो जाता है, या वो लोग जिनको इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, और वो इन्फ्लुएंसर नहीं है, वो बीजेपी के पैसे पर इन्फ्लुएंसर हैं। पहले उन्होंने टीवी पे चलवाया कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत सरोज वो बीजेपी में जा रहे हैं, पूजा पाल विधायक वो बीजेपी में जा रही हैं। तो ये बीजेपी की रणनीति है जिससे कि आप और हम टमाटर की बात ना करें। वो जानते हैं कि टमाटर की बात हम लोग छेड़ेंगे, क्योंकि एक दुकानदार को जेल भेज दिया, उसके बाप को, बेटे को, दोनों को जेल भेजा, आज टमाटर की कीमत नहीं कम कर पा रहे हैं। तो जब टमाटर की कीमत नहीं कम कर पाए तो नया जुमला क्या उछालें? तो ये जो जुमला उछाला जा रहा है बाजार में या मार्केट में मीडिया के थ्रू, वो इसीलिए है कि हम आपसे टमाटर की बात ना करें। जी, कांग्रेस के नेता है रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने कहा है कि जो बीजेपी की वोट है और जो समर्थन है वे राक्षस प्रवृत्ति का है। राक्षस थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है। बीजेपी का कोई नेता सुर में नहीं है। इलेक्शन कमीशन से माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का हटाना, ये सीधा सीधा साबित कर रहा है कि हर चीज अपने कंट्रोल में लेना, सरकार अपने कंट्रोल में ले रही है। सरकार कंट्रोल में नहीं ले रही है, बीजेपी और आरएसएस चुनाव आयोग को अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। मान लीजिए, मैंने आरोप लगाया था कि हजारों वोट समाजवादी पार्टी के काट दिए गए वोटर लिस्ट से, चुनाव से पहले वोट थे, वोट डाला था उन्होंने, 19 में वोट डाला लेकिन 22 में वोट नहीं डाल पाए, ये आरोप मैंने लगाया था। उस समय इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया, मैंने 18,000 ऐसे वोट जो डिलीटेड किए गए, 19 में वोट डाला था, जिंदा हैं, वो अपनी जगह पर हैं, वो 22 में वोट नहीं डाल पाए। तो क्या है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग में कंट्रोल चाहते हैं, चुनाव आयोग को बीजेपी का आयोग बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काम किया जा रहा है। इसीलिए कि बीजेपी अपना कंट्रोल चाहती है, आरएसएस अपना कंट्रोल चाहती है इलेक्शन कमीशन, अब सरकार मनमानी करके अपॉइंट कर लेगी। वो जानते थे कि अगर कोई जुडिशरी का होगा, कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट से कोई होगा, तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्शन उठाए उसमें। त्रिवेंदु अधिकारी ने कहा है कि स्पेशल 26 की पहली दावेदारी प्रधानमंत्री। देखिए, ये तो कार्यकर्ता होते हैं, मंच से कभी कभी हम लोगों के भी नारे लगा देते हैं कि अगला प्रधानमंत्री कौन हो, तो ये तो वर्कर करता है। और अगर वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वो सपना देख रहा है तो वो सपना खराब नहीं है, उससे तो लोकसभा के सांसद ही तो ज्यादा जीतेंगे और बीजेपी हारेगी, तो इसीलिए हमें आपको खुश रहना चाहिए। विपक्ष की एकजुटता में मोदी जी ने अभी संसद में कहा कि एनडीए में दो बार आई लगा दिया, मैं को घुसेड़ दिया और अपना एक इंडिया बना लिया, इसको लेकर उनकी इस टिप्पणी को लेकर क्या कहते हैं? इंडिया, चाहे उसमें डॉट लगा दो इंडिया, हमारा इंडिया बिना डॉट का इंडिया है और संघ में पीडीए है। अगर उन्हें कुछ पूछना हो पीडीए पे पूछ लें। इंडिया को लगातार घमंडिया बोल रहे हैं वो, इसलिए कि वो अपना बता रहे हैं कि वो कैसे हैं। प्रियंका जो बता रहे हैं वो अपने आप को बता रहे हैं कि मैं ऐसा हूँ। लगातार तमाम महान विभूतियों की मूर्तियां लगाई जा रही है,
उसमें कल परसों जगदीश सिंह यहाँ आए थे, उनसे पूछा गया कि समाजवादी पार्टी की यहाँ की जो डेलीगेशन है उनसे बात करी। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अगर मुझसे निवेदन करते हैं तो मैं विचार करूंगा कि नेताजी की मूर्ति कहीं लगवाई जाए। नेताजी इतने बड़े नेता रहे हैं और नेताजी के इसलिए नहीं कि हमें बीजेपी से लगवानी है प्रतिमा, हम खुद सक्षम है समाजवादी लोग और नेताजी को मानने वाले, नेताजी के रास्ते पे चलने वाले इतने खुद ताकतवर हैं, वो जहां चाहेंगे वहां मेमोरियल बना देंगे। इसलिए इस बहस में एक बहुत छोटे नेता के बारे में इस तरह मत कहा करो, छोटे नेता से पूछते हो। हमने तो पिछली बार भी कहा था कि टूरिज्म के सेंटर बना दो मैनपुरी को, भाई टूरिज्म का कोई बजट आ जाए। आप चौराहे तो पहले से बने हुए हैं, चौराहे पे क्या है, कब्जा कर ले रहे हो आप। ये कब्जा इसलिए कर रहे हो जिससे कि और महापुरुष हैं जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की कोई प्रतिमा न लग जाए, ज्योतिबा फूले की कोई प्रतिमा न लग जाए, नेताजी की कोई प्रतिमा न लग जाए, राम मनोहर लोहिया जी की कोई प्रतिमा न लग जाए, जेपी आंदोलन से जुड़े जेपी की कोई प्रतिमा न लग जाए, गाड़गे साहब की प्रतिमा न लग जाए, अवंतीबाई की प्रतिमा न लग जाए, कोई महाराज बिजली पासी की प्रतिमा न लग जाए। ये जगह घेर रहे हैं। हमारी जब कभी भी सरकार बनेगी ये लगा लें जितनी प्रतिमा लगाना चाहें, डीएम आवास खाली करवा करके पीडीए के जितने महापुरुष हैं उनकी प्रतिमा लगा देंगे। 40 एफआईआर हुई है तो वो जवाब दिया जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार तो है ही बीजेपी की सरकार। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि जो 41 एफआईआर हुई है वो तो एक शहीद की बेटी थी, ऐसा कम से कम बेटियों को तो वक्त दे बीजेपी के लिए बोला है। बीजेपी कोई भी सच्चाई बर्दाश्त नहीं करती। यूपी में भ्रष्टाचार तो ऐसा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। यूपी में हो सकता है मध्य प्रदेश से ज्यादा भ्रष्टाचार हो और मध्य प्रदेश के आगे लोग यूपी में भ्रष्टाचार कर रहे हो। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेस से पता करिए क्या मध्य प्रदेश के लोग ही आकर के यूपी में भ्रष्टाचार किए कि नहीं किए। अभी भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन रहा है जब टोल कलेक्ट होना शुरू हो गया। वोट से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि इस देश के किसान, गरीब, नौजवान, अल्पसंख्यक और पिछड़े, दलित और अगड़े जितने भी लोग हैं, हर वर्ग के लोग भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। क्योंकि जो सपना भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया था अच्छे दिन का, 15 लाख का, विदेश से पैसा लाने का, अब जैसे भारत छोड़ो आंदोलन था, बीजेपी आ गई भारत छोड़ो आंदोलन, ये अपनी वो कमी पूरी कर रहे हैं जिस समय इन्होंने विरोध किया था। याद कीजिए भारत छोड़ो आंदोलन बीजेपी के हर नेता ने विरोध किया था, उसकी भरपाई कर रहे हैं अभी, क्योंकि वो उससे अपमानित ना हो जाए। और भारत छोड़ो आंदोलन तो उन्होंने पहले ही चलाया था उद्योगपतियों के लिए, जो भारत छोड़ के चले गए, कौन नहीं छोड़ के चला गया, इनके सभी खासम खास उद्योगपतियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भारत छोड़ो योजना चलाई थी जिसके तहत उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए। सुरक्षा की बात, इस बार 2024 में समाजवादी पार्टी का खाता भी नहीं खुलेगा। वो ये जानते हैं कि गोरखपुर के हर गली हर नाली पानी भरा हुआ है। गोरखपुर में जो सपना दिखाया था गोरखपुर वालों को वो पूरा नहीं हुआ। आप सोच सकते हैं वाइस चांसलर उसकी पिटाई करें, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जो पिटाई करें उनका टीचर सम्मान करें, इसका मतलब तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री की मर्जी के वो वाइस चांसलर नहीं थे, इसलिए उन्होंने कार्यकर्ताओं से वाइस चांसलर को पिटवाया। ये सोचिए सरकार अगर वाइस चांसलर को पिटवाए तो कहाँ की सरकार है। तो ये डर है उनको, उन्हें पता है कि वो काम किस तरीके से कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग उनसे नाराज हैं। बीजेपी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा और मैं फिर कहता हूँ 80 सीटों का सफाया हो सकता है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि लोग कितने इनोवेटिव हैं। मतलब ये नहीं कि टैलेंट हम ही लोगों में और आप में टैलेंट है, अरे टैलेंट कहाँ गाँव में छिपा हुआ है। मैं उस नौजवान को बधाई देता हूँ कि आज के समय के हिसाब से और समय में जो मुद्दा है उस मुद्दे पे कितना सटीक उसने वीडियो बनाया, रील्स बना रहा है। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। क्या कि आप इतना महंगा टमाटर है कि आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आप टमाटर नहीं खरीद सकते। ये जो कर रहे हैं ये चाहते हैं सब कुछ इनके ऊपर हो अगली बार। ये जो कर रहे हैं बीजेपी वाले ये चाहते हैं उनपे भी अगली बार ऐसा ही हो। बदले की राजनीति नहीं, बदले का राजनीति ये बदली रानी नहीं है। बीजेपी ये चाहती है जो हम कर रहे हैं इससे अच्छी तरह आप करना। हम चुनाव आयोग को पूरी तरह से अगर बीजेपी टेक ओवर, अध्यक्ष जी चुनाव आयोग को पूरी तरह से बीजेपी अगर टेक ओवर कर लेती है और अपनी मनमानी करने को तैयार होती है तो ऐसे में विपक्ष जो गठबंधन हुआ ऐसा होगा। रशिया जैसे वोट नहीं पड़ रहा, चाइना में कोई बदलाव नहीं आ रहा, म्यांमार बदलाव है, यहाँ भी ऐसा हो जाएगा, आपका वोट का अधिकार छिन जाएगा।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।